आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य में प्राथमिक वर्ग के बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे पौधे लेकर के आए हैं, जो कि अभी इसके लिए वृक्षारोपण करेंगे। ये किस चीज का पेड़ है, किस चीज का पौधा है? क्या बच्चों, आज पौधे लेकर के आए हो ना? यस सर। तो आज क्या है पौधे लेकर के आए हो? वन महोत्सव है। तो आज सब बहुत अच्छे अच्छे पौधे लाए हो। तो वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? पेड़ उस दिन जन्म होता है। अच्छा ठीक है, वन महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि हमारी धरती जो है हरी भरी दिखे और हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। पौधे लगाएंगे तो उससे क्या फायदा मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगी, पानी बरसेगा, है ना, प्रदूषण भी नहीं रहेगा। इसलिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाते हैं। और आज कौन सी तारीख है? 7 जुलाई। तो सबसे पहले बच्चों, ये वन महोत्सव का कार्यक्रम 1950 में शुरू किया गया था। सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1950। तब से जो है प्रत्येक वर्ष ये जुलाई के पहले सप्ताह में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आज हमारा इस वीक का 7वां 7 तारीख है ना। तो आज हम लोग सभी लोग अपने अपने पौधे ऊपर करो, दिखाओ पौधे लेकर के, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। आज हम सभी लोग मिल करके अभी पौधारोपण करेंगे। सब खुश होना, और इनको लगाना है, इनकी देख रेख भी करनी है, करोगे? बहुत अच्छे। काम करो अच्छा, पेड़ लगाओ और करो इनकी। आप बोलेंगे ना जब एक लाइन, आपसे बोलना है पेड़ लगाओ और करो इनकी रक्षा। बोलेंगे पढ़ लिख कर काम करो अच्छा, पेड़ लगाओ और करो इनकी। कुदरत करे यही पुकार, पेड़ों को न काटो बार बार, हम कहेंगे कुदरत करे यही पुकार। फिर बोलेंगे पेड़ लगाओ जीवन में खुशहाली लाओ, हम बोलेंगे पेड़ लगाओ लगाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, इस धरती पर स्वर्ग बनाएं, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, इस धरती पर स्वर्ग बनाएं। वृक्षों की जब करोगे रक्षा, तभी बनेगा जीवन अच्छा। वृक्षों की जब करोगे रक्षा, तभी बनेगा जीवन अच्छा। कुदरत करे यही पुकार, पेड़ों को न काटो बार बार। पेड़ों को न काटो बार बार, कुदरत करे यही पेड़ लगाए जीवन बचाए, जीवन बचाए, इस धरती पर स्वर्ग बनाए। पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, सभी बच्चे आज विद्यालय प्रांगण में वन महोत्सव का उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही उत्साह से ओतप्रोत हैं हमारे सभी शिक्षकों के साथ। हमारे सभी बच्चे वृक्ष लेकर के तैयार हैं। यही पुकार, यही पुकार।
पुकार, मिलकर उठाना है, हर घर पेड़ लगाना है। हम सभी ने मिलकर उठाना है, हम सभी ने मिलकर उठाना है, पेड़ सभी ने मिलकर उठाना है। लगाओ अपना अपना बोल, पॉलिथीन निकाल लो, केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक संभाग के सभी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ प्लांटेशन करते हुए, सभी बच्चे अच्छे अच्छे पौधे लेकर के आए हैं और शिक्षकों की देखरेख में सभी बच्चे प्लांटेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारे प्राथमिक वर्ग के सभी बच्चे वन महोत्सव मनाने के लिए छोटे छोटे पौधे अपने अपने घरों से लेकर के आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी बच्चे अपने शिक्षकों की देखरेख में लाए गए पौधों को रोपित कर रहे हैं। सभी शिक्षक उन्हें वृक्षों को रोपित करने में उनकी मदद कर रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं बच्चों इन पौधों की देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी है, इनको नष्ट होने से आपको बचाना है, इनको समय समय पर पानी भी देना है। सभी बच्चों के साथ हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत ही उत्सुकता के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं और इनको पौधे रोपित करवा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है, ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि छोटे छोटे पौधे लेकर के आए हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से पौधों को रोपित कर रहे हैं। विद्यालय की मुख्य अध्यापिका सुश्री संजू श्रीवास्तव मैडम भी अपने साथी शिक्षकों के साथ वृक्षारोपण कर रही है। दोस्तों ये वृक्षारोपण का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है, हमारे सभी शिक्षक आज वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में अपने बच्चों के साथ उनके द्वारा लाए हुए पौधों को रोपित करवा रहे हैं और उन्हें पानी डलवा रहे हैं। हमारे आनंद सर छोटे छोटे बच्चों के साथ मिट्टी डालो रोपण करवा रहे हैं, वो भी दो छोटे बच्चे पौधे लेकर के आए हैं और बहुत ही अच्छे फूलदार वृक्ष हैं, उनको बहुत ही गेट के बगल में बाहरी दीवार के किनारे लगवा रहे हैं। सर बच्चों को पौधा रोपित कर रहे हैं, किस तरह के पौधे लगाए जाते हैं सब बच्चों को। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।